Hello friends, welcome to my YouTube channel, Profoundly Physicist. I'm Shweta. In this channel, we prepare science and maths for various exams. And particularly in this series, we are preparing physics for Master Cadre, Punjab. So, ab tak humne kya kiya hai? 7 parts hamare ho gaye hain, 7A tak. Aur ye jo hai hamara damped oscillation ka last topic hai. Superposition of SHM. ठीक है, इसमें थोड़े और सब केसेस हैं और ये मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है. ठीक है, आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा. जितना मुझे इसको बनाने में मज़ा आया, आप लोगों को भी पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा. सो लेट्स बिगिन. सो लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था सुपरपोजिशन ऑफ SHM. ठीक है, दो जो है SHM जो है एक सिंगल बॉडी पे एक्ट करती हैं और उसका रिजल्टेंट क्या निकलता है. तो अब यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर केस ले रहे हैं जिसमें जो दोनों ऑसिलेशंस आएंगी वो क्या हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं. ठीक है, और परपेंडिकुलर का अनदर नेम क्या होता है, ऑर्थोगोनल जो है. ठीक है, जहाँ पे ऑर्थोगोनल आए परपेंडिकुलर आए सेम चीज़ होती है वो. तो इसकी डेफिनेशन एक बार देख लो क्या बनती है. कंबाइनिंग द इफेक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑसिलेशन एक्टिंग ऑन अ बॉडी साइमल्टेनियसली. ठीक है, तो इसमें क्या है, दो जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर जो दो ऑसिलेशंस हैं वो सिंगल बॉडी पे सेम टाइम पे एक्ट करेंगे. ठीक है, अब देखते हैं कि सिंगल बॉडी पे जब दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑसिलेशंस एक ही टाइम पे एक्ट करती हैं तो रिजल्टेंट क्या बनता है. ठीक है, अज्यूम करो जैसे हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, तो उस पर जो है एक फोर्स जो है उस पर एक्सिस पे लग रही है जो उसको ऑसिलेट करवा रही है और एक वाई एक्सिस पर लग रही है. अब एक्स एंड वाई दोनों जो है साइमल्टेनियसली उस पर एक्ट करेंगी तो उसकी फाइनल ऑसिलेशन क्या होगी. ठीक है, चलो देखते हैं क्या बनता है इसमें. सो इट हैज़ मेनी सब केसेस. हर सब केस को ध्यान से पढ़ना क्योंकि जितने मैंने MCQs बनाए हैं वो सारे सब केसेस के ऊपर ही हैं. तो आई एम जस्ट होपिंग आप इतने ध्यान से पढ़ो कि सारे MCQs के आंसर आप लोगों को आते हो. ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट केस, वो क्या है, ऑसिलेशन हैविंग सेम फ्रिक्वेंसी. अब हमने म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑसिलेशन तो ले ली, बट उसमें केस क्या लिया है कि जो ऑसिलेशंस हैं उनकी फ्रिक्वेंसी सेम है. सो लेट द फर्स्ट फोर्स प्रोड्यूसेस SHM इन द एक्स डायरेक्शन. जो फर्स्ट जो है हम अप्लाई कर रहे हैं बॉडी पे जो फोर्स लगा लो. ठीक है, ऑसिलेशन जो उसमें प्रोड्यूस कर रही है वो किस डायरेक्शन में हो रही है, एक्स डायरेक्शन में. तो हम उसको कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा 1t. एम्पलीट्यूड अलग है इसलिए उसको a1 से डिनोट किया है. सो सेकेंड जो है वो प्रोड्यूस करेगी उसमें SHM y डायरेक्शन में. हो गए ना दोनों परपेंडिकुलर, x y ऑर्थोगोनल हो गए. सो y जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, a2 साइन ओमेगा t प्लस 5. तो अब हम इन दोनों से क्या पता चला, जो x एंड y हैं परपेंडिकुलर तो हैं दोनों के दोनों, पर उनका एम्पलीट्यूड अलग है और उनके फेजेस डिफर कर रहे हैं बाय 5. ठीक है, फेज डिफरेंस उसमें रहेगा बाय 5. बाद में हम इसके भी सब केस लेंगे कि जब 5-0 होगा कोई फेज डिफरेंस नहीं है. ठीक है, तो 5 अभी हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं. सो एक्स एंड वाई आई थिंक आप लोगों को पता चल गया होगा, फर्स्ट केस हमारा क्लियर है, सेम फ्रिक्वेंसी डिफरेंट एम्पलीट्यूड एंड फेज डिफरेंस 5 है यहाँ पे. अब हम पता क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में से साइन ओमेगा टी की वैल्यू निकाल लेते हैं. सो एक्स किसके इक्वल था, a1 साइन ओमेगा टी के. तो साइन ओमेगा टी किसके इक्वल हो गया, एक्स बाय a1. अगर साइन ओमेगा टी एक्स बाय a1 है तो कॉस ओमेगा टी क्या होगा, वी नो द फार्मूला साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1 होते हैं. तो कॉस ओमेगा टी क्या किसके इक्वल होता है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी. तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, कॉस ओमेगा टी किसके इक्वल बन गया फाइनली, अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन a1 का स्क्वायर. ठीक है, और अब हमने क्या करना है, जो y वाली डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने एक्सपैंड करना है. सो y इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 था फर्स्ट इक्वेशन हमने पुट करी, एंड वी नो द फार्मूला क्या होता है इसमें, साइन a प्लस बी का फार्मूला क्या रहता है, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी. तो साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन 5. हमारे पास साइन ओमेगा टी की वैल्यू भी है, कॉस ओमेगा टी की वैल्यू भी है, तो सब्स्टिट्यूट करो और देखो आपका और मेरा आंसर मैच कर रहे हैं. तो सब्स्टिट्यूट करने पे क्या बना, वाई इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी की वैल्यू पुट कर दी, एक्स अपॉन a1 कॉस 5 प्लस कॉस ओमेगा टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाय a1 का स्क्वायर साइन 5. ठीक है,
सो अब हमने यहाँ पे क्या किया, जो ए टू बाहर कॉमन था उसको हम y के नीचे ले आए, क्या बन गई सेकेंड लाइन देखो, y बाय ए टू माइनस जो आगे वाली फर्स्ट टर्म थी x बाय ए वन कॉस फाइव, उसको भी हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, इज इक्वल टू क्या राइट हैंड साइड पे अब क्या बचा, अंडर रूट वन माइनस x बाय ए वन का स्क्वायर साइन फाइव। अब स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वी आर स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो थर्ड लाइन जो है थर्ड एक्सप्रेशन क्या बन गया, y बाई ए टू माइनस एक्स बाई ए वन कॉस फाइव, स्क्वायरिंग करी थी तो उसका ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू वन माइनस एक्स बाई ए वन का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। ठीक है, स्क्वायरिंग करके ये एक्सप्रेशन बनेगा, देख लो। अब यहाँ पे जो है लेफ्ट हैंड साइड पे फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का, तो फार्मूला यहाँ पे आप एक्सपेंड कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बन गया, वाई स्क्वायर बाई ए टू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए वन स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव माइनस टू एक्स वाई ए वन ए टू कॉस फाइव इज इक्वल टू, यहाँ साइन स्क्वायर फाइव को हम ब्रैकेट के अंदर ले गए, ठीक है, तो साइन स्क्वायर फाइव माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए वन स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। अब देखो जो है एक्स स्क्वायर बाई ए वन स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव और एक्स स्क्वायर बाई ए वन स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव दोनों प्रेजेंट, तो उसको भी उधर ले आओ, फार्मूला बन रहा है कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव का, देखो कंप्लीट एक्सप्रेशन क्या बन रहा है। सो क्या बना हमारे पास एक्सप्रेशन, एक्स स्क्वायर बाय ए वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए टू स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई कॉस फाइव ए वन ए टू इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाइव। इस एक्सप्रेशन को आपको नहीं भूलना, एक जनरल एक्सप्रेशन यहाँ पे आ गया, सारे के सारे सब केसेस अब इसी पे ही लगेंगे। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को अच्छे से याद कर लो, हर एमसीक्यू में आगे जितने भी सब पार्ट्स हैं सब में ये एक्सप्रेशन यूज़ हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे बनता है, रिजल्टेंट मोशन ऑफ द पार्टिकल इज अलोंग एन एलिप्टिकल पाथ, इसको देखते हैं हम कैसे। ठीक है, ये जो इक्वेशन बन रही है ये इक्वेशन एलिप्स की बन रही है। अब यहाँ पे एक और बात समझने वाली है कि जब आप एक्स निकालते हैं, एक्स को अगर आप देखें एक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहे हैं, एक्स अपॉन ए स्क्वायर आ रहा है या ए वन स्क्वायर है, तो एक्स किसके इक्वल है, प्लस माइनस ए वन, और वाई इसी तरह किसके इक्वल है, प्लस माइनस ए टू। इट मीन्स एक्स जो है उसकी वैल्यू हमेशा माइनस ए वन एंड प्लस ए वन के बीच में रहेगी, और वाई की वैल्यू क्या है, माइनस ए टू एंड प्लस ए टू के बीच में रहेगी। सो इट मीन्स पार्टिकल हमेशा जो है इनसाइड द रेक्टेंगल रहेगा। ठीक है, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस ए वन प्लस ए वन, आप ड्रॉ करके देखो, आप दो वैल्यूज लेके देख सकते हो कि एक्स की वैल्यू अगर आप माइनस टू प्लस टू लेते हैं और वाई की वैल्यू आप माइनस थ्री प्लस थ्री लेते हैं। ठीक है, तो इन एवरी केस क्या रहेगा, एक रेक्टेंगल ही फॉर्म हो रहा है। इट मीन्स कोई भी रेक्टेंगल के इनसाइड शेप बन जाए, पार्टिकल हमेशा जो है वो रेक्टेंगल के विदिन ही रहेगा। सो जो हमारा फर्स्ट केस है उसकी डायग्राम कुछ इस तरह होगी। ठीक है, जो इक्वेशन बनी थी वो एलिप्स की बन रही थी, तो एलिप्टिकल पाथ पार्टिकल ने फॉलो किया, और दूसरा जो है पार्टिकल हमेशा रेक्टेंगल के अंदर रहेगा, ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, बिकॉज अगर ओरिजिन पे आप देखेंगे ओ, ओ के लेफ्ट साइड पे एक्स एक्सिस वाले पे ए वन है, राइट साइड पे सॉरी माइनस ए वन है, और राइट साइड पे क्या है, प्लस ए वन। सिमिलरली वाई के जो है नीचे जो है वो माइनस ए टू है, और ऊपर क्या बन रहा है, प्लस ए टू। इस तरीके से एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। सो दिस इज़ अ डायग्राम फॉर द पार्टिकल। ठीक है, जिसके इसमें क्या है, एलिप्टिकल पाथ फॉलोड बाय अ पार्टिकल ऑन विच टू इंडिपेंडेंट एस एच एम्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एक्ट साइमल्टेनियसली। इट मीन्स अगर आपके पास कोई पार्टिकल है जिसके ऊपर आप ठीक है, एट द सेम टाइम दो जो है परपेंडिकुलर फोर्सेस या एस एच एम लगा रहे हो, तो वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा, क्या उसकी डायरेक्शन होगी, दैट विल बी एन एलिप्टिकल पाथ। ठीक है, इसको याद रखना आप, जब उसका एम्पलीट्यूड अलग है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है। अब जो हमने इक्वेशन निकाली है एलिप्स की, या एलिप्टिकल जनरल इक्वेशन, उसके ऊपर ही हमने तीन सब केसेस लगाने हैं, तीन स्पेशल केसेस हैं। फर्स्ट जो मैंने बोला था, व्हेन टू एस एच एम आर इन फेज, जब उनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, इन दैट केस हम फाई को ज़ीरो पुट कर देंगे। सेकंड है, व्हेन टू एस एच एम्स आर आउट ऑफ फेज, इन दैट केस फाई क्या हो जाएगा, 180 डिग्री पाई हो जाएगा। थर्ड केस है, व्हेन फेज डिफरेंस बिटवीन देम जो है 90 डिग्री रहेगा, दैट इज़ ठीक है पाई बाय टू रहेगा। तो देखते हैं हम तीनों केसेस अप्लाई करके, और देखते हैं कौन कौन सी शेप्स बनती हैं पार्टिकल के पाथ की।
सो हियर इज़ अ फर्स्ट केस, जब हमने बोला दोनों SHM क्या रहेंगे इन फेज, सो फाई इज इक्वल टू जीरो, जो हमारी वो जनरल इक्वेशन निकाली थी उसमें फाई जीरो पुट कर दो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए टू स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई ए वन इंटू ए टू, यहाँ पे कॉस फाई भी था ना, कॉस फाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई, कॉस जीरो वन रहता है, ये एक्सप्रेशन ऐसे ही रहेगा, साइन जीरो जीरो हो गया, सो इट हैज़ बिकम द एक्सप्रेशन फॉर वाई बाय ए टू माइनस एक्स बाय ए वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो y जो है हमारे पास किसकी इक्वल आ गया, ए टू अपॉन ए वन एक्स, और ये किसकी इक्वेशन होती है, आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है ये किस चीज़ की इक्वेशन बनती है, दिस इज़ द इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। तो फर्स्ट केस में जब दोनों फेज में है SHM तो पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, इट मीन्स द पार्टिकल मूव ऑन द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। अब जो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन में से जा रही है वो क्या होगी, रेक्टेंगल का डायगोनल ही होगा, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे जो है जब एम्पलीट्यूड जो है वो अलग है, ठीक है, बट फ्रिक्वेंसी सेम है, पार्टिकल म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, बट उसमें फेज डिफरेंस जो है वो ज़ीरो है, इन दैट केस क्या होगा, पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल एंड पार्टिकल विल बी ऑलवेज कन्फाइंड इनसाइड द रेक्टेंगल, ठीक है, वो डायमेंशन सेम रहेंगी, कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे, पार्टिकल रेक्टेंगल के अंदर ही होगा। तो अब है हमारे पास सेकेंड केस, व्हेन फाई इज इक्वल टू पाई, मींस जो दो हमारे ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर जिनको कहते हैं हम SHM जो बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, अब वो दोनों क्या हैं, आउट ऑफ फेज हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या है, जब वो आउट ऑफ फेज एक्ट कर रहे हैं, मींस एक पहले जा रहा है एक बाद में जा रहा है, फेज डिफरेंस उनका बीच में पाई बन रहा है, तो अब देखो शेप क्या बनती है पाथ की, अब इस केस में अब बॉडी कौन सा पाथ फॉलो करेगी, तो जो हमारी जनरल इक्वेशन है उसमें आप फाई की जगह पाई पुट कर दो, सो एक्स स्क्वायर बाय ए वन स्क्वायर प्लस वाई टू बाय ए टू स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई ए वन ए टू कॉस पाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई, एंड आप लोगों को पता है कॉस पाई होता है माइनस वन, साइन पाई होता है ज़ीरो, सो दोनों वैल्यूज पुट करो और देखो अब ये किसकी इक्वेशन बन रही है। तो जब इसको पुट करोगे आप, ये फिर से जो इसको ऐड करो आप, क्या बन रहा है, y बाई ए टू प्लस एक्स बाई ए वन का स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, y इज इक्वल टू माइनस ए टू बाई ए वन एक्स, दिस इज अगेन द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। तो सेम जो है फिर से वही जो है इक्वेशन बनी यहाँ पे, बस एक बात यहाँ पे याद रखना, जब डायगोनल आप चेंज कर देना, ठीक है, फाई इज इक्वल टू जीरो में जो डायगोनल लोगे आप, तो फाई इज इक्वल टू जब पाई होगा तो दूसरा वाला डायगोनल ले लेना, होगी वही स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, लेकिन आप डायगोनल रेक्टेंगल का चेंज कर देना, ठीक है। बाकी आपको पता चली गई, दोनों सब केस क्लियर हो गए, जब फाई ज़ीरो होगा, जब फाई पाई होगा फेज डिफरेंस, दोनों केसेस में क्या बनेंगी, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। तो डायग्राम आपको कहीं बना के तो दिखानी नहीं होगी, वहाँ पर देख लेना, ठीक है, दोनों केसेस में ओपोजिट रहेगी, डायगोनल अलग अलग देख लेना। तो हियर कम्स आवर लास्ट स्पेशल केस जो है इसके अंदर, केस थ्री क्या कहते हैं, जब फेज डिफरेंस पाई बाय टू होगा उन दोनों में, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, आपको पता चली क्या है, पुट कर दो फाई की जगह पे पाई बाय टू, एक्स स्क्वायर बाय ए वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए टू स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई बाय ए वन ए टू कॉस पाई बाय टू इज इक्वल टू साइन पाई बाय टू, कॉस 90 क्या होते हैं, ज़ीरो, साइन 90 वन, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बना, एक्स स्क्वायर बाय ए वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए टू स्क्वायर इज इक्वल टू वन, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स, तो एलिप्टिकल पाथ फॉलो होगा यहाँ पे भी। तो जब फाई 90 है, फेज डिफरेंस 90 डिग्री है, तो उसके अंडर एक स्पेशल केस भी आ जाता है कि जब हम दोनों का एम्पलीट्यूड सेम कर दें, लो ए वन इज इक्वल टू ए टू हो गया, जो दोनों SHM जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे एक दूसरे के, वो बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं इन अ फेज डिफरेंस 90, ठीक है। तो उस केस में जो है क्या बनेगा, तो ए वन इज इक्वल टू ए टू पुट कर दो, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, अब ये कौन सी इक्वेशन है, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, इट मीन्स द रिजल्टेंट मोशन ऑफ अ पार्टिकल ड्यू टू सुपर पोजिशन ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर SHM ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड हैविंग फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय टू इज अ सर्कुलर मोशन।
देख लो अभी तक हमारे पास 4 केसेस हो चुके हैं. सबसे पहला केस क्या था, इन सब में पार्टिकल्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही हैं एक दूसरे के, ठीक है. तो सारे केसेस हैं वो फेज डिफरेंस और एम्पलीट्यूड पे लग रहे हैं. सो फर्स्ट केस हमने क्या कंसिडर किया था, जब उनके एम्पलीट्यूड भी अलग हैं, ठीक है, पर उनकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी सेम है और देयर इज सम फेज डिफरेंस फाई बिटवीन दैम. उस केस में क्या बना था, एलिप्टिकल पाथ. सब केस हमने फर्स्ट लगाया जिसमें हमने फाई जो है वो जीरो लिया, कोई फेज डिफरेंस नहीं है, इन फेज है. उस केस में क्या निकला, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, रेक्टेंगल के डायगनल के अलॉन्ग गया. सेकेंड केस हमने लिया कि दोनों जो हैं दे आर आउट ऑफ फेज, ठीक है, फाई पाई के इक्वल है. इन दैट केस क्या हुआ, अगेन इट कम्स द पार्टिकल क्या निकला, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनी एंड पार्टिकल क्या था, इट पासिस थ्रू द रिप्रेजेंटेड बाय किसके था, डायगनल ऑफ द रेक्टेंगल. थर्ड केस हमारे पास आया जब हमने फेज डिफरेंस 90 डिग्री ले लिया. जब फेज डिफरेंस 90 डिग्री हुआ, इन दैट केस क्लियरली इक्वेशन ऑफ एलिप्स बनी, ठीक है. उसके अंदर ही हमने एक सब केस लगाया इक्वेशन ऑफ एलिप्स के ऊपर ही, कि जब जो है पार्टिकल जो बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं उनका एम्पलीट्यूड भी सेम हो जाए. जब उनका एम्पलीट्यूड सेम हो गया तो इक्वेशन बनी सर्कल की, ठीक है. चारों अच्छे से याद करना. फॉर एग्जाम्पल देखो, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं कि वट विल बी द शेप ऑफ द पाथ फॉलोड बाय अ पार्टिकल व्हेन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर SHM ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड फेज डिफरेंस पाई बाय 2 एक्ट्स ऑन अ बॉडी. तो इसका क्लियर आंसर रहेगा सर्कुलर मोशन, ठीक है. तो अगर आपके माइंड में एक्सप्रेशन बिल्कुल क्लियर होंगे ओनली देन आप इसको सॉल्व कर पाएंगे. इसमें क्रैमिंग नहीं चलेगी क्योंकि कभी भूल जाओगे फ्रिक्वेंसी कहाँ गई, कभी भूल जाओगे एम्पलीट्यूड कहाँ गया, ठीक है. तो क्लियरली जो है इनको समझ के अच्छे से करना. सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑसिलेशंस हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज. सो जितना अभी तक हमने किया उसमें ऑसिलेशंस जो हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सेम थी ओमेगा, और यहाँ पे अब एक अलग केस आ रहा है जहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है. सो द डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ द टू परपेंडिकुलर ऑसिलेशंस इज गिवन बाय एक्स को हम ले लेंगे A1 साइन ओमेगा 1t और वाई को हम ले लेंगे A2 साइन ओमेगा 2t प्लस 5, ठीक है. यहाँ पे हमने ओमेगा 1 ओमेगा 2 लिया, वैसे एम्पलीट्यूड भी यहाँ पे अलग अलग है बट उसको बाद में केस ले लेंगे उसका. यहाँ पे बेसिकली फ्रीक्वेंसीज अलग अलग हैं, ठीक है, ओमेगा 1 ओमेगा 2. सो जो फेज डिफरेंस है डेल्टा फाई से उसको हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे. बिटवीन दीज टू डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट t क्या होगा, डेल्टा फाई को क्या ले लेंगे हम, दोनों के फेज को जो है वो माइनस कर दो. चेंज इन जो है डिफरेंस इन फेजेस को हम फेज डिफरेंस कह देंगे. सो ओमेगा टी प्लस फाई माइनस ओमेगा 1t और टी कॉमन लेके ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1t प्लस 5. सो अब देखते हैं हम कि क्या बनता है जब दो ऑसिलेशन जो हैं जिनकी डिफरेंट फ्रिक्वेंसी है वो सुपर इम्पोज करती हैं. देखो जब दो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज हैं इट मींस एक ज़्यादा फास्ट होगी एक स्लो होगी. सो चेंज इन फेज डिफरेंस के कारण जो है पैटर्न्स फॉर्म होंगे, ठीक है. सो इसको एक बार रीड कर लेते हैं. सिंस द सुपर इम्पोज्ड ऑर्थोगोनल ऑसिलेशंस हैव डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज, ठीक है, अलग अलग फ्रिक्वेंसी हैं उनकी, सो वन विल मूव फास्टर दैन द अदर. ओके, एक ज़्यादा हो गया, एक फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी एक कम होगी, सो एक फास्ट मूव करेगा एक स्लो. एज अ रिजल्ट पैटर्न चेंजेस विद टाइम ड्यू टू चेंज इन फेज डिफरेंस. सो जैसे जैसे जो है टाइम चेंज हो बढ़ेगा आगे, सो पैटर्न भी चेंज होता रहेगा क्योंकि फेज अलग अलग है. लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखना, जो जनरल शेप होगी जो होगी वो कन्फाइंड रहेगी रेक्टेंगल के विद इन ही, ठीक है. जो भी शेप वो लेगा, जो फिगर्स जो पैटर्न्स बनेंगे, ठीक है, वो रहेंगे लेकिन रेक्टेंगल के बीच में, ठीक है. हाउ एवर द जनरल शेप विल बी कन्फाइंड विद इन अ रेक्टेंगल ऑफ साइड्स 2A1 2A2. और जो पैटर्न बनता है उसको क्या कहते हैं, लिसाजस फिगर्स. एक्चुअली जो है लिसाजस है ये है नेम है साइंटिस्ट का, ठीक है, जिसने इन पैटर्न्स को डिस्कवर किया था, तो उसके नेम पे ही बना है इसका नाम लिसाजस फिगर्स. सो ये हैं बेसिकली लिसाजस फिगर्स जो बन रही हैं यहाँ पे, ठीक है. तो ये आपको जो मेन पैटर्न है ना आपको याद रखने हैं, बिकॉज क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि कौन से केस में स्ट्रेट लाइन बनती है, कौन से केस में ओवल शेप है,
कौन से में सर्कुलर है, किस में पैराबोला बन रहा है, कहीं पे एट शेप है, तो ये आपको जो मेन मेन केसेस है वो मेमोराइज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे बताया उन्होंने ओमेगा वन ओमेगा टू की रेशियो जब वन वन है, मीन्स दोनों इक्वल है, और उस केस में जो फेज डिफरेंस है अगर पाई बाय फोर है तो शेप ओवल बन रही है, अगर ज़ीरो है तो स्ट्रेट लाइन है, अगर फेज डिफरेंस पाई बाय टू है तो सर्कुलर बन रही है, थ्री पाई बाय फोर पे ओवल है, फिर पाई पे स्ट्रेट लाइन है। नेक्स्ट सेकंड लाइन में देखो, जब जो है फ्रीक्वेंसीज़ की रेशो वन इज़ टू टू है तो अगर फेज डिफरेंस ज़ीरो है तो एक पैराबोला बन रहा है, ठीक है। अगर फेज डिफरेंस पाई बाय फोर है तो भी एट की शेप है, पाई बाय टू पे भी एट है, थ्री पाई बाय फोर पे भी एट है, और ठीक है फिर से जो है पैराबोला बन रहा है, तो कुछ कर्व्स ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। सो लिसागस फिगर्स फॉर्म ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑसिलेशंस हैविंग डिफरेंट फ्रिक्वेंसी रेशियो, द एम्पलीट्यूड ऑफ द सुपर पोजिंग ऑसिलेशन इज इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। एम्पलीट्यूड सेम, फ्रिक्वेंसी डिफरेंट, से ये पैटर्न फॉर्म होते हैं। तो जिसके मेन केसेज हैं उनको आप याद रखिए, जब ओमेगा वन ओमेगा टू दोनों सेम है, ठीक है, सेम इन द सेंस उनकी रेशियो जो सेम आ रही है, ठीक है, और उस केस में जो फाई जो है वो ज़ीरो है या पाई है, तब आपने देखा स्ट्रेट लाइन बनती थी, और जब ओमेगा टू और ओमेगा वन की रेशियो वन इज़ टू वन है, अगर फाई पाई बाय फोर एंड थ्री पाई बाय फोर है तब ओवल शेप या एलिप्टिकल शेप बन रही है, ठीक है, और जब जो है फाई पाई बाय टू है तो सर्कुलर है। नेक्स्ट फोर्थ है, जब उनकी रेशियो वन इज़ टू टू है और फाई ज़ीरो है तब पैराबोला है, और फिगर ऑफ एट कब कब बन के देखो, जब ओमेगा टू और ओमेगा वन की रेशियो वन इज़ टू टू है और फाई क्या है पाई बाय फोर, पाई बाय टू एंड थ्री पाई बाय फोर, उस पर फिगर ऑफ एट बन रहा है। सो ये आपको मेमोराइज़ करना है, ठीक है। ओके, कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं इसके रिगार्डिंग, लिसागस फिगर्स के रिगार्डिंग। सो फर्स्ट इज़ लिसागस फिगर्स जो हैं इनको हम बॉडेज कर्व भी कहते हैं, ठीक है, अगर अनदर नेम से आ जाए आप कन्फ्यूज मत होना, ये इसी का ही नाम है बॉडेज कर्व। सेकेंड जो है, ये पैटर्न फॉर्म कहाँ होता है, तो CRO पे, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो हम करते हैं लैब्स में, ठीक है, उस पे फॉर्म होता है। सो इट इज़ अ पैटर्न विच इज़ डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन्स व्हेन साइनोसाइडल सिग्नल्स आर अप्लाइड टू बोथ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स ऑफ CRO। जब आप CRO की जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेट हैं उनके ऊपर जब आप, ठीक है, साइनोसाइडल सिग्नल जो है फ्रिक्वेंसी आप अप्लाई करते हैं, तब जाके जो है ये पैटर्न फॉर्म होते हैं स्क्रीन पे। सो थर्ड पॉइंट है, टू मेजरमेंट्स कैन बी डन फ्रॉम लिसागस फिगर्स। फर्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइनोसाइडल सिग्नल, सेकंड है फेज डिफरेंस बिटवीन द टू साइनोसाइडल सिग्नल्स। फर्स्ट इज़ जो फ्रीक्वेंसी जो है आप CRO पे अप्लाई कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल प्लेट को, ठीक है, अगर वो अननोन है तो उसकी डिटर्मिनेशन के लिए लिसागस फिगर्स बेनिफिशियल है। सेकेंड, जो दोनों आपने साइनोसाइडल सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेट को, तो उनमें क्या फेज डिफरेंस है, उसके लिए जो है लिसागस फिगर्स यूज़फुल हैं। सो यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगे MCQs इस टॉपिक के रिगार्डिंग, ठीक है। ये क्वेश्चंस मैंने अलग अलग क्वेश्चन जो आए हुए हैं एग्ज़ाम में, कोई CPMT पे, नीट पे, ठीक है, जहाँ से मुझे क्वेश्चन मिले इसके रिगार्डिंग मैंने सारे पिक करके एक जगह असेंबल करे हैं, तो आप देखो आप लोगों को कितने अच्छे से सारे आते हैं। अगर आपने सारे वीडियो अच्छे से देखा होगा, ये वाला समझा होगा, तो ये आपके लिए बहुत ईजी होंगे। सो फर्स्ट MCQ है, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर SHM हैव सेम एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी एंड फेज व्हेन दे सुपर इम्पोज द रिजल्टेंट ऑफ मोशन विल बी। ये कौन सा केस है देखो, जब जो है SHM जो हैं उनका सेम एम्पलीट्यूड भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, फेज भी सेम है, तब रिजल्टेंट क्या फॉर्म होता है, सर्कल, एलिप्स, स्ट्रेट लाइन कि पैराबोला। देखो कौन सा मोशन कौन सी फॉर्म होती है यहाँ पे। सो हमें पता है जब फाई ज़ीरो होता है या फाई पाई होता है उस केस में क्या होता है, अ स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है। सो फाई यहाँ पे ज़ीरो है, एम्पलीट्यूड उन्होंने सेम दे दिया A1 A2 एक ही इक्वल, ओमेगा वन ओमेगा टू ओमेगा के इक्वल है, ठीक है, तो वही जो हमारी इक्वेशन है उसको पिक करो, x² / y² / 2xy a² यहाँ पे cos phi होता है, ठीक है, तो और cos 0 क्या होता है 1, और सामने sin phi होता है, आपको पता है sin phi 0 रहते हैं। सो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, phi इज़ इक्वल टू 0 है,
तो y इसके इक्वल आया माइनस x के, और हमें पता है ये इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की. सो फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी. ओके, अब सेकंड क्वेश्चन है द रिजल्टेंट ऑफ टू रेक्टेंगुलर SHMs ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एंड अनइक्वल एम्पलीट्यूड बट डिफरिंग इन फेज बाय पाई बाय टू. ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, फेज जो है पाई बाय टू से डिफर कर रहा है, तो कौन सी शेप फॉर्म होगी जो है रिजल्टेंट मोशन की. फर्स्ट स्ट्रेट लाइन, बी सर्कुलर, सी एलिप्टिकल, डी पैराबोलिक. ये हमने किया है पाई बाय टू वाला केस, जिसका सब केस भी था. सो एक्स किसके इक्वल है, एक्स इज इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा टी, क्योंकि फ्रिक्वेंसी सेम है. ठीक है, वाई इज इक्वल टू ए टू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, क्योंकि पाई बाय टू का फेज डिफरेंस है. जो सेकंड एक्सप्रेशन है उसको आप एक्सपैंड कर दो. ठीक है, फार्मूला पुट कर दो, साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और कॉस पाई बाय टू होता है ज़ीरो. सो फर्स्ट टर्म तो पूरी खत्म हो गई, तो वाई किसके इक्वल आ गया, ए टू कॉस ओमेगा टी. जो दोनों वैल्यूज़ हैं एक्स एंड वाई की, उन दोनों की स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर दो. ठीक है, सो एक्स स्क्वेयर बाई ए वन इज इक्वल प्लस वाई स्क्वेयर बाई ए टू का स्क्वेयर इज इक्वल टू वन. सो साइन स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वेयर ओमेगा टी वो वन हो गया. तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स. ठीक है, आपको पता भी है जब फेज डिफर कर सॉरी जब एम्पलीट्यूड अनइक्वल हो, फेज पाई बाय टू हो, तब एलिप्टिकल होता है, और जब एम्पलीट्यूड सेम हो जाते हैं इसी केस में तो सर्कुलर होता है. ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है द मोशन ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी. ठीक है, तो अगर कोई जो पार्टिकल है उसके डिस्प्लेसमेंट इसके अकॉर्डिंग जो हमें रिलेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग वेरी कर रही है, तो उसकी मोशन क्या होगी. फर्स्ट ऑप्शन है मोशन इज ऑसिलेटरी बट नॉट SHM. ठीक है, ऑसिलेटरी तो है लेकिन SHM नहीं फॉलो कर रही, दैट इज़ जो उसका एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के जो वो लॉ होता है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, वो वाला जो है ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स उसको फॉलो नहीं कर रहा. जो बी ऑप्शन है वो क्या है, द मोशन इज SHM विद एम्पलीट्यूड ए. ठीक है, SHM मोशन है उसका एम्पलीट्यूड ए है. सी है मोशन इज SHM विद एम्पलीट्यूड ए रूट टू. फोर्थ ऑप्शन है द मोशन इज SHM विद एम्पलीट्यूड टू ए. सो इसके लिए आपको क्या करना है, रूट टू से मल्टीप्लाई और रूट टू से आपको इसको डिवाइड करना है. जब रूट टू से बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाहर हो जाएगा ए रूट टू, अंदर जो है वन बाय रूट टू, वन बाय रूट टू अंदर मल्टीप्लाई हो गया. एंड हमें पता है जो वन बाय रूट टू है वो क्या होता है, कॉस जो पाई बाय फोर मीन्स कॉस 45 डिग्री भी वही है, और साइन 45 डिग्री भी वन बाय रूट टू है. सो ए रूट टू यहाँ पे हमने कॉस 45 डिग्री साइन ओमेगा टी लगा दिया प्लस साइन 45 डिग्री कॉस ओमेगा टी लगा दिया. सो अल्टीमेटली y किसके इक्वल हो गया, ए रूट टू साइन ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री, क्योंकि फार्मूला बन गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का. ठीक है, तो इट मीन्स जो ये इक्वेशन बन रही है हमको पता ही है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये क्या होती है इक्वेशन SHM की. इट मीन्स दिस इज अ इक्वेशन ऑफ SHM और इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा फिर ए रूट टू. इट मीन्स जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज करेक्ट, द मोशन इज SHM विद एम्पलीट्यूड ए रूट टू. नेक्स्ट फोर्थ MCQ है, इफ़ द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल बी रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू ए साइन पी टी प्लस बी कॉस पी टी देन द पार्टिकल एग्जीक्यूट्स. ठीक है, अगर किसी के डिस्प्लेसमेंट इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग है तो पार्टिकल क्या एग्जीक्यूट कर रहा है. फर्स्ट ऑप्शन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेकेंड है यूनिफॉर्म एलिप्टिकल मोशन, थर्ड है SHM, फोर्थ है रेक्टिलिनियर मोशन. तो देखो आप कौन सी मोशन जो है एग्जीक्यूट कर रहा है पार्टिकल, अगर उसके डिस्प्लेसमेंट इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है तो, क्योंकि आपको पता है कि ये सारे क्वेश्चन SHM के ही हैं. सो फर्स्ट हम हर इक्वेशन को ट्राई करेंगे कि क्या वो SHM का जो इक्वेशन है मेन उसको फॉलो कर रहा है. ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें भी हमने यही किया था, इक्वेशन को हम SHM इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे वो जो मेन रहता है उसका. ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव या उस फॉर्म में उसको लेके आने की कोशिश करेंगे हम पहले.
तो देखो यहाँ पे पॉसिबल हो रहे हैं, ए को हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं आर कॉस थीटा, बी को पुट कर रहे हैं आर साइन थीटा, और इसको पुट करते ही जो है हमारा साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, जो हमारा साइन ए प्लस बी का फार्मूला है वो फार्मूला बन जाएगा यहाँ पे। तो वाई किसके इक्वल हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू आर साइन पी टी प्लस थीटा, और ये क्या है, दिस इज इक्वेशन ऑफ एस एच एम। ठीक है, तो हर क्वेश्चन जब आपको लग रहा है वो एस एच एम वाले पोर्शन से है तो आप ट्राई करो पहले उसको कन्वर्ट करने के लिए कि क्या वो एस एच एम वाली क्वेश्चन जो बना रहे हैं उसमें बन रहा है, तो अगर बन रहा है तो सही है, वही बन जाएगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ एस एच एम है ये। सो फिफ्थ एम सी क्यू है, द एस एच एम ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय द इक्वेशन वाई इज इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ओमेगा टी, द एम्पलीट्यूड इज। ठीक है, इस बार हमें एस एच एम की इक्वेशन दी हुई है और ये नहीं पूछा कि इक्वेशन ऑफ एस एच एम है कि नहीं, पहले दी हुई है कि इक्वेशन ऑफ एस एच एम है, अभी आप इसका एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करो कैसे निकालोगे इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। सो दिस इज़ वेरी इजी, बस आपको ए किसके इक्वल लेना है, 3 जो है ए वन जो पहले एम्पलीट्यूड है उसका प्लस नेक्स्ट वाला जो है 4 उन दोनों का स्क्वायर प्लस एडिंग कर देनी है। ठीक है, सो ए इज इक्वल टू अंडर रूट या स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5। वेरी इजी क्वेश्चन है ना, जब नहीं आता हो तब डिफिकल्ट लगता है, बट इट्स ईजी। ठीक है, ए को क्या करना है, बस दोनों जो एम्पलीट्यूड हमें गिवन है उनका स्क्वायर रूट लेना है हमने। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी कुछ वैसा ही है, एक्चुअली मैंने सेम क्वेश्चन जो है उनको कोशिश करी है साथ ही प्लेस करने की सो दैट आप स्लाइट वेरिएशन इन क्वेश्चन को समझ पाएँ। सो सिक्स्थ क्वेश्चन एम सी क्यू है हमारे पास, एस एच एम इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स इज इक्वल टू 5 रूट 2 साइन 2 पाई टी प्लस कॉस 2 पाई टी, सो इसका अब एम्पलीट्यूड क्या होगा आप बताओ, आई गेस आप लोगों को आता ही है, अभी तो हमने किया है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सो 5 रूट 2 अंदर कर दो मल्टीप्लाई और दिखाओ, देखो क्या बनता है इसमें आंसर इसका। सो ये सेम क्वेश्चन है, बस इसमें 5 रूट 2 जो है कॉमन एम्पलीट्यूड लेके बाहर लिया हुआ है, जो उससे पहले हमने क्वेश्चन किया था उसके आगे उसके इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स थे, तो फार्मूला सेम लगेगा। ठीक है, इसमें देख लेना कैसे, आप देखो 5 रूट 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, सो इन द सेम वे एक इसके इक्वल हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 5 रूट 2 का स्क्वायर प्लस 5 रूट 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 250, सो 50 प्लस 50 क्या हो गया 100, 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10, सो सिक्स्थ का करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन 10 सेंटीमीटर। सेवेंथ एम सी क्यू है, द कॉम्पोजिशन ऑफ 2 एस एच एम्स ऑफ इक्वल पीरियड्स एट राइट एंगल टू ईच अदर एंड विद द फेज डिफरेंस ऑफ पाई रिजल्ट इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अलोंग। अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, इक्वल टाइम पीरियड, टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई होता है ना, सो इनडायरेक्टली हमें सेम फ्रीक्वेंसी दी है एट राइट एंगल टू ईच अदर, मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और फेज डिफरेंस कितना है पाई। अब फाई जब पाई होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो, आई गेस आप लोगों को पता चल गया इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। सो बताओ क्या रहेगा, ए स्ट्रेट लाइन, बी सर्कल, सी एलिप्स, डी फिगर ऑफ 8, क्या बनता है इसमें से। सो हमने किया हुआ है जब फाई जीरो हो या फाई पाई के इक्वल हो, इन दैट केस क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ही बनती है। ठीक है, हल्की सी वही सेम डेरिवेशन मैं यहाँ पर रिपीट करी है, आप लोगों को पता ही है कॉस पाई और साइन पाई पुट कर दो, ये क्या बन जाएगी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। फाई जब जीरो है, फाई जब पाई है इन और दोनों एस एच एम म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, इन दैट केस क्या होगा, पार्टिकल कौन से कैसे मोशन होगी पार्टिकल की अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन। सो एट्थ क्वेश्चन है हमारे पास, 2 सिंपल हार्मोनिक मोशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y1 इज इक्वल टू 10 साइन 3t प्लस पाई बाय 4, y2 इज इक्वल टू 5 साइन 3t प्लस कॉस 3t, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड्स। ये आई गेस आप लोगों ने लिए बहुत ईजी होगा बिकॉज अभी तो हमने किया ये वाला। ठीक है, एम्पलीट्यूड फर्स्ट का आपको क्लियरली दिख रहा है, सेकेंड का आपको निकालना आता है, अभी हमने क्वेश्चन किया है तो रेशियो निकालना है, सो ईजी, कैलकुलेट करके देखो क्या आंसर आएगा इसका। सो कितना ईजी है, जो फर्स्ट का तो हमें पता ही है एस एच एम का एम्पलीट्यूड कितना दिख ही रहा है, ए वन कितना है 10 है, सेकेंड केस वाला अभी हमने दो क्वेश्चन किया उनमें निकालना हमने सीखा है।
ठीक है, 5 जो है अंदर चला जाता होता है, या इसको इंडिविजुअल लिख लो कि y2 जो है 5 साइन 3t या 5 कॉस 3t भी हो जाता है। इट मीन्स इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी हमने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाला है, सो अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। और यहाँ पे जो है बस एक चीज़ है, बिकॉज फंक्शंस जो हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है, 3 sin t और cos t है यहाँ पे, तो cos को भी हम sin में चेंज कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा 5 sin 3t प्लस पाई बाय 2। तो एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या आ गए, 5 and 5, और उनमें फेज डिफरेंस क्या है, पाई बाय 2। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालो, सो जो हमारा एम्पलीट्यूड का फार्मूला है उसमें सब्सटीट्यूट कर दो, अंडर रूट a1 square प्लस 2a1 a2 cos 5 प्लस a2 square। a1 भी पता हमें 5 है, a2 भी हमें पता 5 है, cos 5 एंगल कितना बना है पाई बाय 2, और cos 90 क्या होते हैं 0। तो क्या बचा इसमें, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर मींस 25 प्लस 25 50, स्क्वायर रूट ऑफ 50। स्क्वायर रूट ऑफ 50 कितना होता है, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 50 कितना होगा, 25 into 2, 25 का स्क्वायर रूट 5 और अंदर रह गया स्क्वायर रूट 2। अब दोनों हमारे पास आ गए हैं, फर्स्ट का एम्पलीट्यूड 10 था, सेकंड का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 5√2 था, दोनों की रेशियो क्या हो जाएगी 10/5√2। सो 5 ones are 2s are 10, 2/√2 मीन्स अल्टीमेट आंसर इसका क्या बना, स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो 8th का आंसर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है। सो हेयर कम्स द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, और ये कोई एमसीक्यू नहीं है, ये समझो ज़रा एक्सप्रेशन को कि अगर ये आ जाए तो कैसे करना है, अगर इसका ओपोजिट होगा तो वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो 9th क्वेश्चन देखो, शो दैट द सुपर पोजिशन ऑफ ऑसिलेशन रिप्रेजेंटेड बाय एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी एंड वाई इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी रिजल्ट इन टू अ सर्कुलर मोशन इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन। ये तो पता चल ही गया, सेम एम्पलीट्यूड है यहाँ पे, सेम फ्रीक्वेंसी है, फेज डिफरेंस एक्स एंड वाई में पाई बाय 2 है, होगी तो ये सर्कुलर मोशन ही, बट उसमें और क्या है, आपको उसकी डायरेक्शन भी बतानी है कि इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है वो कैसे, और ऐसे ही इसका ओपोजिट भी एक है, उसमें भी ऐसे एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, वाई इज इक्वल टू माइनस आ जाता है उसमें ए कॉस ओमेगा टी, और उसमें क्योंकि सब सेम है, ठीक है, तो उसमें जो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, तो आप क्लॉकवाइज समझो, एंटी क्लॉकवाइज आपको खुद समझ आ जाएगा। सो फर्स्ट थिंग इज क्लियर, एक्स किसके इक्वल है ए साइन ओमेगा टी, वाई है ए कॉस ओमेगा टी, जब उसको साइन में चेंज करेंगे तो पाई बाय 2 आ जाएगा, एम्पलीट्यूड दोनों के इक्वल ए वन ए टू इज इक्वल टू ए, फ्रिक्वेंसी दोनों की इक्वल ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा, ठीक है, फेज डिफरेंस पाई बाय 2 है, तो ये अल्टीमेटली क्या बनता है, सर्कुलर मोशन ही बनती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल ही बनता है। समझने वाली बात अब यहाँ पे ये है कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कैसे पता चले कि डायरेक्शन सर्कल की क्लॉकवाइज रहेगी कि एंटी क्लॉकवाइज रहेगी, सो उसके लिए हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, सर्कल तो हमने बना लिया यहाँ पे, अब इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं दो टाइम पीरियड पे, जब टाइम 0 है या जब टाइम t/4 है, t/4 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट जब वो क्रॉस कर लेगा, ठीक है, तो उन दोनों पे हमें पता चल जाएगा कि डायरेक्शन क्या बन रही है। सो फर्स्ट है हमारे पास t is equal to 0 पे अब आप x एंड y की वैल्यू फाइंड करो कि क्या कोऑर्डिनेट्स बनते हैं इसके। सो जब हम t is equal to 0 पुट करेंगे तो x किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 0 क्या हो जाएगा 0, सो x आ गया हमारा 0 के इक्वल, y किसके इक्वल है cos 0 1, तो y के कोऑर्डिनेट आ गए a, इट मींस जब t 0 होता है उस पे x 0 है y a है, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास जब टाइम पीरियड है t by 4 जब आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t by 4, ओमेगा t हमें पता है क्या होता है 2π के इक्वल रहता है ओमेगा t, ठीक है, तो ओमेगा t की वैल्यू पुट कर दो 2π, 2π/4 बन गया 2 से 4 कैंसिल हुआ तो क्या बना यहाँ पे π/2, सो साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है 1, सो x यहाँ पे हमारा आ गया a के इक्वल, और y किसके इक्वल है a cos π/2, cos π/2 क्या रहता है 0, तो y यहाँ पे होगा 0। सो t इज इक्वल टू 0 पे कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे 0 a, एंड t इज इक्वल टी बाई 4 पे कोऑर्डिनेट है a 0। अब t इज इक्वल टू 0 पे जो है लोकेट कर दो इसको, तो जो मैंने ग्रीन पॉइंट मार्क करा है
वो बन जाएगा पॉइंट जीरो ए, क्योंकि उस पे एक्स जीरो है, वाई कितना है, ए है, ठीक है। एक्स एक्सिस हमने ड्रॉ करी, वाई ड्रॉ करिए, तो इस ग्रीन जो मैंने पॉइंट ड्रॉ करा है वहाँ पे एक्स जीरो है, वाई ए है। सो अब टी बाय फोर पे हम मार्क करेंगे कि क्या वैल्यू बनती है इसकी, ठीक है। तो उस पे कितनी वैल्यू है, ए, एक्स की वैल्यू ए है, वाई की वैल्यू ज़ीरो है। तो जो नेक्स्ट ग्रीन डॉट मैंने मार्क करा है वहाँ पे देखो आप, एक्स की वैल्यू ए बन रही है और वाई की वैल्यू है ज़ीरो। तो इट मीन्स डायरेक्शन जो है, एरो हेड जो मैं बना रही हूँ वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन। इट मीन्स जब जो है पाई बाय टू उनमें जो है फेज डिफरेंस होगा तब जो है डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी, और जब माइनस पाई बाय टू होगा तब एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। और हम करते रहें कि इसमें सर्कुलर मोशन रिजल्ट बनता है और क्वेश्चन वहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पे आ जाए, तो इसका भी समझना ज़रूरी था। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आज हमारा डैम्ड ऑसिलेशन टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो बिगिन करेंगे फोर्स्ड ऑसिलेशन से, एंड आई होप आप लोगों को ईच एंड एवरी टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा, और जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आप लोगों को क्वेरी है, आप लोगों को कुछ नहीं समझ आया या कुछ और समझना है, सो आप उसको कमेंट करें, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, बाय बाय।